अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल है दोस्तों। आज हम जानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का पार्ट वन। आप लोग पहले देख चुके हैं, अगर आप लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया का पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पार्ट वन का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप पार्ट वन मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया देख सकते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का पार्ट टू, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया दोस्तों कुरान शरीफ में सबसे बड़ा है। उनका स्टोरी, उनका किस्सा पार्ट वन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, वो 15 मिनट का बन गया था, इसलिए पार्ट टू आज बनाया हूँ। आज देखते हैं, जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का पार्ट टू में उनके साथ लास्ट में एंडिंग में उनके साथ क्या हुआ, फिरौन के साथ क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम पे दोस्तों हमेशा उनके कौम पर और बनी इसराइल के लोगों पर और मिस्र वालों पर हमेशा तरह तरह का अज़ाब आया करता था। जैसे कि आपने मेरे पार्ट वन में सुना होगा लास्ट में कि उन पर 9 तरह का अज़ाब अल्लाह ने दिया था मिस्र वालों पर, लेकिन मिस्र वाले अपने कामों से फुर्सत नहीं, उन्हें अपने बुरे कामों से फुर्सत नहीं मिलता था, वो अल्लाह के हर अज़ाब को सह लेते थे। और बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ करके जब हद से ज़्यादा हो जाता हर अज़ाब को, तो मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवा करके वो अज़ाब को टालवा देते, फिर से वो खुदा का नाशुक्र हो जाते। और जब जब अज़ाब आता तब तब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते और अल्लाह से कहकर दुआ करवा कर अपना अज़ाब को ख़त्म करवा देते, और जैसे ही अज़ाब ख़त्म होता फिर से वो अल्लाह का नाशुक्र और नाफरमानी कुफ्र पे लग जाते, बुरे कामों में लग जाते। इस तरह दोस्तों मिस्र वालों फिरौन वालों तो बुरे ही थे ही, और बनी इसराइल के लोग भी कम नहीं थे। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के कौम भी अल्लाह पे पूरी तरीके से ईमान नहीं रखता था, वो हमेशा मूसा अलैहिस्सलाम बहुत तरह का मौजज़ा दिखाए। इस तरह से कहा जाता है दोस्तों कि कुरान शरीफ में 73 सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। अल्लाह फरमाते हैं 73 सूरतों में अल्लाह पाक पर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से, उनके दुआ करने पर बहुत तरह का मौजज़ा, बहुत तरह का करिश्मा दिखाया, बहुत तरह के अज़ाबों से बचाया और बहुत तरीके का उन पर सवाब भी पहुँचाया, लेकिन कभी कभी वो भी नाशुक्र हो जाया करते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी नेक नबियों में से थे, उनके ऊपर भी काफ़ी मुश्किलात आती रहती थी फिरौन की वजह से, तो वो हर मुश्किलात का निजात अल्लाह से दुआ करके पा लिया करते थे। फिरौन अपने आप को खुदा समझता था और लोगों को भी अपने आप को पूजा करने के लिए बोलता था, और बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के कौमों को अपने को खुदा मानने से मनवाया करता था और अपने को खुदा के तौर पर ही पूजने के लिए, इबादत करने के लिए बोलता था, किसी और को खुदा मानने पर मरवा दिया करता था। बनी इसराइल के लोगों को गुलाम रखा जाता था, तो बनी इसराइल के लोग एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम के हर बात सुनते थे, लेकिन फिरौन के और उनके आदमियों से वो डरते भी थे। इस तरह से दिन गुजरता रहा और एक दिन बनी इसराइल के लोगों को लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल के लोगों को फिरौन के लश्कर से काफ़ी दूर ले चले गए, और काफ़ी दूर ले जाने का ऑर्डर हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा कि इन पे मिस्र फिरौन वालों को सबक सिखाने के लिए अब सबसे डेंजर अजाब आखिरी अजाब मैं भेजने वाला हूँ, ऐ मूसा तुम अपने कौम को लेकर के मिस्र से दूर चले जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और अपने कौम को लेकर के मिस्र में बसे हुए बनी इसराइल के लोगों को, अपने कौम के लोगों को लेकर के रातों रात निकलने का प्लानिंग किया। रातों रात निकलने के लिए उन्होंने अपने मिस्र से निकलने का प्रयास कर रहे थे, और प्रयास करते करते वो जाते जाते कैसे भी फिरौनियों को इस बात का अंदाज़ा लग गया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को लेकर के इसराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं और मिस्र को खाली करके, गुलामों से खाली करके जो जा रहे हैं। तो फिरौन बहुत गजबनाक रूप में अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि किसी भी सूरत में बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें हर कीमत वापस लाया जाएगा, क्योंकि मिस्र में ग़ुलामों की कमी हो जाएगी और ये एक तरह से फिरौन का हार ही हो जाता अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर बाहर चले जाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को बाहर ले जाने का खबर सुनकर फिरौन ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि ए लश्कर जाओ, और फिरौन उस लश्कर में फिरौन खुद शामिल हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का पीछा करने लगा। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के कौम आगे आगे और फिरौन का कौम पीछे पीछे, तो मूसा अलैहिस्सलाम का कौम आगे आगे चलकर लास्ट में एक दरियाए नील के पास पहुँच गया। सामने पहाड़ और सामने बाएँ दाएँ पहाड़ और सामने में दरियाए नील था, तो दरियाए नील के पास पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम घबरा गई,
डर गई, मायूस हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि है मूसा, तुमने तो मुझे हम लोगों को फंसा दिया, पीछे है फिरौनियों का लश्कर और सामने है मौत का दरियाए नील, जिसमें अब हम कहाँ जाएँ, क्या करें। तो वो ऐ मूसा अपने अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह से हम लोगों के लिए निजात पाने के लिए दुआ करो, इस फिरौनियों से हम निजात पा ले, हम इस राह कैसे यहाँ से बच के निकले। तो अल्लाह की आवाज़ आई, गैब से एक आवाज़ आई, भैया मूसा अपनी छड़ी को दरियाए नील में ठोको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील में अपनी लाठी को ठोका तो दरियाए नील दो तरफ होकर के एक रास्ता दे दिया, और इस तरह एक रास्ता हुआ। तो इस तरह बनी इसराइल के कौमों के 12 कबीला था, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 औलादों में से 12 कबीला में बट गए थे बनी इसराइल के लोग। तो बनी वो कबीला के लोगों ने कहा कि हम अलग अलग रास्ते पे जाना चाहेंगे, मूसा तुम अलग अलग लाठी मारो। तो 12 बार लाठी मारकर 12 रास्ता तैयार किया गया, और वैसे 12 कबीले दरियाए नील पार कर जाने लगे दूसरी तरफ। वैसे ही फिरौन के लश्कर भी पीछे पीछे आ गया, और दरियाए नील में जैसे ही बनी इसराइल के कौम दरियाए नील के पार करने ही वाला था, वैसे ही फिरौनियों के लश्कर बीचों बीच दरियाए नील के पास पहुंच गया। और अल्लाह के हुक्म से फिर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम के लोग बनी इसराइल के 12 कबीले के लोग जैसे ही दरियाए नील पार कर लेते हैं, अल्लाह के हुक्म से फिर से वो दरियाए नील वापस जुड़ जाता है, और फिरौन के लोग जो बीच रास्ते तक पहुँचे थे वो सारे के सारे डूब कर वहीं मर जाते हैं। तो मरने के चंद सेकंड पहले फिरौन अल्लाह से दुआ करता है कि ये मूसा के अल्लाह आपका कुदरत बहुत हिसाब है, मैं ईमान लाना देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री और बहुत सारा रोचक तथ्य, फैक्ट्स, हिस्ट्री, नॉलेज के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को आपने अगर रेड बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, और बने रहिए दिल से। कमेंट कीजिए, आपको किसी टॉपिक पे कुछ जानना हो, कुछ बोलना हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे भी आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा। जानने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद।